हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमिन। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एलोटाइप, आइसोटाइप एंड आइडियोटाइप। तो पहले मैंने आपको बेसिक क्लासेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी एंटीबॉडीज की बता दी। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी तो पहले आप उन क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस क्लास में स्विच करिए, जिससे कनेक्टिविटी जो है वो थोड़े अच्छे तरीके से बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस मेंशन करी है कि जो आपके आइसोटाइप, आइडियोटाइप या एलोटाइप्स हैं क्या। तो ये जो आपके आइसोटाइप, एलोटाइप या आइडियोटाइप की आप बात करें तो ये क्या है, ये एंटीबॉडी के कॉन्टेक्स्ट में हम इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं एंड द डिफरेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो जब आप एंटीबॉडी की बात करें तो उनमें जो डिफरेंट रीजंस होते हैं उन्ही रीजंस के अकॉर्डिंग आपके आइसोटाइप, आइडियोटाइप एंड एलोटाइप्स जो है वो डिफरेंशिएट किए जाते हैं। मतलब अगर आप एंटीबॉडी को कहेंगे कि ये आइसोटाइप्स हैं एंटीबॉडी के, एलोटाइप है, आइडियोटाइप है, तो वो किस बेसिस पे किए गए हैं, वो डिफरेंट रीजंस ऑफ एंटीबॉडी के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। और ये जो टर्म है ये एसेंशियल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो अगर आप आइसोटाइप की बात करें तो वो उनका अलग एक स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। आइडियोटाइप का एक अलग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तो अगर आप एंटीबॉडी की अनदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो वो हम किस बेसिस पे समझते हैं, आइसोटाइप, आइडियोटाइप एंड एलोटाइप के बेसिस पे। अब हम पिकअप करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बात करी है आइसोटाइप की। तो आइसोटाइप क्या होता है, जो हमने क्लासेस पढ़ी थी अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एंटीबॉडी की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, वो जो क्लासेस हैं, फाइव क्लासेस हैं, वो ही बेसिकली आपकी आइसोटाइप है, जो आपकी आईजीजी है, जो आपने हैवी चेन जो थी उसके बेसिस पे डिवाइड किया था, तो वो आपके कहलाते हैं आइसोटाइप। इट इज डिटरमाइंड बाई जेनेटिक डिफरेंसेज इन कॉन्स्टेंट रीजन। जो हमारी हैवी चेन का कॉन्स्टेंट रीजन था उसमें जेनेटिक डिफरेंसेज अलग अलग थे, इसीलिए हमारी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन जनरेट हो रही थी। जैसे गामा पेप्टाइड चेन थी, अल्फा पेप्टाइड चेन थी, डेल्टा पेप्टाइड चेन थी, एप्सिलॉन पेप्टाइड चेन थी, तो उसी बेसिस पे हमारे आइसोटाइप का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन आइसोटाइप की बात करें तो आईजीजी है, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। अगर हम सारे इंडिविजुअल की बात करें विद इन द सेम स्पीशीज तो ये जो है सेम कॉन्स्टेंट रीजन को शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर एक स्पीशीज ह्यूमन, एक स्पीशीज है होमो सेपियन सेपियन, तो एक स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल हैं, अगर वो मिलियन ऑफ इंडिविजुअल की भी आप बात करेंगे तो उनकी जो आइसोटाइप है वो सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल, जो अगर आप मेरे इम्यून सिस्टम में आइसोटाइप की बात करें तो क्या क्या होगा, आईजीजी होगा, आईजीएम होगा, आईजीए होगा, डी होगा, ई होगा। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम की बात करें तो वहां पर भी सिमिलर आइसोटाइप होंगे, आईजीजी, आईजीएम, और अगर आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उसके पास भी सेम होंगे। तो अगर एक ही स्पीशीज में अगर मिलियंस ऑफ मिलियन इंडिविजुअल भी प्रेजेंट है लेकिन अगर वो सेम स्पीशीज के हैं तो उनका जो हैवी चेन का कॉन्स्टेंट रीजन है वो सिमिलर होगा, तो उनके जो आइसोटाइप्स हैं वो सिमिलर होंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्पीशीज की बात करें तो वहां पर जो आइसोटाइप है वो डिफरेंट होंगे। मतलब क्या है कि जैसे एक ह्यूमन स्पीशीज है, एक हॉर्स स्पीशीज है, तो ह्यूमन में हो सकता है फाइव टाइप ऑफ आइसोटाइप्स हैं, जो आप हॉर्स है हॉर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटाइप्स होंगे, वहां डेल्टा ना हो, वहां पे कप्पा हो, लैम्डा, कुछ अलग तरीके के आइसोटाइप्स प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट आइसोटाइप होंगे लेकिन एक ही स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल में सेम आइसोटाइप प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है आइसोटाइप। अगर आप आइसोटाइप की बात करें फंक्शनल प्रॉपर्टीज की, तो ये फंक्शनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट रीजन। जैसे अभी हमने फंक्शन पढ़ा जो अपनी आईजी, जितनी भी हमारी फाइव क्लासेस थी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, उनके अलग अलग फंक्शन थे। जैसे आईजीजी का सबसे मेन फंक्शन अगर बात करें तो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, कॉम्प्लीमेंटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ग्लूटिनेशन में हेल्प करेगी। आईजीएम की बात करें तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर रही थी, एट द सेम टाइम ये कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट कर रही थी, प्लस में इसकी वैलेंसी ज्यादा थी। ग्लूटिनेशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रोल आईजीएम का है। आईजीई एंटीबॉडी सिक्रेशन के लिए थी, जितनी भी हमारी गट लाइन्स है वहां पर हाईएस्ट सिक्रेशन होता है आईजीए एंटीबॉडी का। डी का प्रॉपर फंक्शन नहीं पता, लेकिन ई की बात करें तो जितनी भी हमारी इमीडिएट हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, एलर्जेंस के अगेन रिस्पॉन्स देना है, तो वो आईजीई एंटीबॉडी का होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट आइसोटाइप का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो यहां पर आप देखिए कि जैसे ये कोई माउस है, माउस कोई एक है, और यहां पर ये जो माउस है वहां पर आइसोटाइप दूसरा है। तो इसमें सिंपल ये दिया गया है कि एक आपका आइसोटाइप क्या है, आईजीजी है, एंड सेकेंड जो आपका आइसोटाइप है वो है आईजीएम। तो जो आपके इंडिविजुअल रहेंगे ये तो एक ही स्पीशीज की बात है, अगर आप डिफरेंट स्पीशीज की बात करेंगे तो ये डिफर होंगे,
लेकिन विद इन द स्पीशीज आपके 5 के 5 आइसोटाइप कितने भी इंडिविजुअल हो उस स्पीशीज के उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जहां भी आइसोटाइप की बात आएगी तो मतलब आपकी जो 5 एंटीबॉडी है ह्यूमन आइसोटाइप की तो वो प्रेजेंट होते हैं विद इन स्पीशीज। सेम आइसोटाइप प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटाइप प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियोटाइप की। तो आइडियोटाइप डिवाइड किया गया है या आइडियोटाइप को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन बाइंडिंग वेरिएबल रीजन। मतलब कोई भी जो ये एंटीबॉडी है इसमें डिफरेंट वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होंगे, मतलब मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज होंगे, मिलियंस ऑफ एंटीजन है तो मिलियंस ऑफ वेरिएबल रीजन होंगे। तो ये जो वेरिएबल रीजन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारी एंटीबॉडी कहलाएगी आइडियोटाइप। तो आइडियोटाइप में क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, बोथ हैवी चेन एंड लाइट चेन। और जो ईच एंटीबॉडी होती है उसके पास डिफरेंट आइडियोटाइप होते हैं, क्यों, क्योंकि ये इनके पास स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है फॉर द टारगेट ऑर्गन एंटीजन। आइडियोटाइप वेरिएबिलिटी की अगर आप बात करें तो ये जो आपके वाइड रेंज ऑफ पैथोजन है उसके अगेंस्ट जो आपका रिस्पॉन्सेस है उसको शो करती है। आइडियोटाइप डिटर्मिनेंट फ्रॉम यूनिक एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन सीक्वेंसेस। मतलब जो आपका आइडियोटाइप है वो बेसिकली वेरिएबल होता है लेकिन किस वजह से होता है, जो हमारे अमाइनो एसिड के डाइवर्स सीक्वेंसेस होते हैं उन वेरिएबल रीजन सीक्वेंसेस की वजह से होता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी एंटीबॉडी की बात करें जो सेम क्लोन से है, मतलब जैसे क्या है, अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उस एंटीजन को फर्स्ट टाइम अगर एंटीजन है तो उसको प्रोसेस्ड किया जाएगा एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू, उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है टी हेल्पर सेल्स में। अगर आप एमएससी क्लास सेकंड की बात करेंगे तो ये टी हेल्पर सेल, और ये जो टी हेल्पर सेल्स है ये फर्दर एक्टिवेट करती हैं आपकी बी सेल्स को। तो आपकी जब बी सेल डिफरेंशिएट होकर आपकी प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी तो ये जब एक एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेंगी तो वो इसी, अगर ये एंटीजन कुछ इस तरीके का है तो इसी टाइप की एंटी ए एंटीजन, जैसे अगर इस एंटीजन का नाम मैं ई रख दूं तो जितनी भी एंटीबॉडी बनेंगी वो आपकी पूरी एंटी ए एंटीजन के अगेंस्ट बनेंगी। तो अगर आप क्लोनल सेल्स की बात करें, अगर बी सेल्स सिमिलर टाइप की एंटीबॉडी, क्योंकि अब उसको एक ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर जितनी भी बनी हुई होंगी आपकी एंटीबॉडी वो आपकी सिमिलर आइडियोटाइप को शेयर करेंगी या सिमिलर उनका जो आइडियोटाइप वेरिएबल रीजन होगा वो एकदम सेम होगा जो केवल इस एंटीजन के अगेंस्ट होगा। और ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, आइडियोटाइप जो है वो डिफरेंट होता है हर एक एंटीबॉडी का। ये मैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर बी सेल्स चाहे तो इस टाइप की बहुत एंटीबॉडीज बना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से आइसोटाइप केवल 5 थी, आइडियोटाइप मिलियंस ऑफ मिलियंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का एंटीजन होगा उसी तरीके की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इम्यून सिस्टम कर सकता है। तो जो आपके आइडियोटाइप्स है वो काफी ढेर सारे होते हैं। जैसे ये देखिए, अगर ये माउस है इसके पास आईजीजी एंटीबॉडी है और ये एक ही स्पीशीज, जैसे अगर माउस को छोड़ दीजिए ह्यूमन की बात करें, जैसे अगर मैं हूँ वो मेरे अंदर काफी सारी आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सारे के सब में सेम वेरिएबल रीजन हो, सब में डिफरेंट वेरिएबल रीजन होंगे। तो एंटीबॉडी एक ही होगी, एंटीबॉडी आईजीजी ही है, लेकिन अगर मिलियंस ऑफ एंटीबॉडी है तो मिलियंस ऑफ आपका आइडियोटाइप प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल रीजंस जो है वो डाइवर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एलोटाइप। एलोटाइप बेसिकली क्या है, एलोटाइप जो है वो जेनेटिक वेरिएशन है कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी विद इन अ स्पीशीज। जैसे हम एक स्पीशीज की बात करें, अगेन होमोसेपियंस होमोसेपियंस, तो जैसे अगर मेरे अंदर एक ही टाइप का कोई एलोटाइप होगा जो एक दूसरे इंडिविजुअल के एलोटाइप से डिफरेंट होगा, तो हर एक पर्सन के पास उसका एक स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशन कॉन्स्टेंट रीजन होता है जो आपका एलोटाइप कहलाता है। अब ये क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा। ये जो वेरिएशन है वो इनहेरिटेड होता है एंड मे बी डिफर बिटवीन इंडिविजुअल टू द इंडिविजुअल। तो जैसे इस तरीके से हम कहते हैं ना कि एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल विच इज डिफर फ्रॉम अनदर, उसी वजह से हमारे जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो एकदम अलग होते हैं। हमने कभी अपनी शक्ल के लोगों को सिमिलर एकदम लोगों को नहीं देखा, क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल अलग। वैसे ही जो ये एलोटाइप होते हैं ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। अगर आप सिबलिंग्स की भी बात करें तो सिबलिंग्स, जैसे मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है,
तो उसके पास अलग तरीके का एलोटाइप होगा, मेरा जो एलोटाइप है वो अलग होगा, लेकिन हर एक पर्सन में केवल एक ही एलोटाइप होगा। अब ये कैसा है वो आगे आपको बताती हूँ मैं। एलोटाइप डिटरमाइंड होते हैं बाय जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इन अ जीन, और कहा कॉन्स्टेंट रीजन में ऑफ एंटीबॉडी, लेस वेरिएबल देन आइडियोटाइप। तो अगर आप सबसे ज्यादा वेरिएशंस की बात करें तो आइडियोटाइप में होता है, फिर सेकंड टाइप का, क्योंकि फाइव टाइप ऑफ आइसोटाइप है तो वो भी डिफरेंट है, लेकिन एलोटाइप केवल एक ही होता है। अब कैसे है, जैसे ये जो कॉन्स्टेंट रीजन है, ये कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन है और ये कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन है। तो यहां पर कुछ ये जो सीक्वेंस है, कुछ ये जीन है, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सिंथेसाइज करते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं कितनी रीजन में, केवल ये जो इतना कांस्टेंट रीजन है, ये हमेशा, जैसे ये माउस था, ये माउस का एक स्ट्रैंड है, ये माउस दूसरे स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब एक इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल, तो हमने दो माउस लिए, उनमें से एंटीबॉडी को जब निकाला और हमने इस कांस्टेंट रीजन की स्टडी करी, तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए कुछ इस शेप से इसको मेंशन किया है और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का शेप है, तो मतलब यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंस है, लेकिन एक इंडिविजुअल में ये वाला जो सीक्वेंस है वो कॉमन होगा और आपकी सारी एंटीबॉडी में प्रेजेंट होगा। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल के पास केवल एक एलोटाइप होता है, ऐसा नहीं कि 100 एलोटाइप होंगे, नहीं, एक इंडिविजुअल में केवल एक एलोटाइप होगा जो दूसरे इंडिविजुअल के एलोटाइप से एकदम डिफर होगा। फिर सेकेंड आएगा आइसोटाइप, फाइव टाइप के आइसोटाइप होते हैं जो आपके डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ हैवी चेन, और अगर आप आइडियोटाइप की बात करें तो मिलियंस ऑफ आइडियोटाइप विद इन इंडिविजुअल प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं आपके एंटीजन पे, कि भाई कितने एंटीजन से आप एक्सपोज हुए हैं, आपकी जो एंटीबॉडी है वो कितने वेरिएबल रीजंस को कैरी कर रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका आइसोटाइप, एलोटाइप एंड आइडियोटाइप में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो फिर मैं और कोशिश करूंगी थोड़ा डिटेल में बताने की। बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम PYQ करेंगे, तो ये जो थ्री क्लासेस हुई है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, प्लस में ये आइसोटाइप, डिफरेंट क्लास, क्लास नहीं कह सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, इन सबको डिटेल में पढ़ के आइएगा, जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।